मेरे ख्याल से जवाब भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपका वाई क्या है और आपका व्हाट क्या है। यहाँ से बात शुरू होगी हर चीज के बारे में कि भाई मेरे लिए एक चीज की प्रायोरिटी है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए एक चीज की प्रायोरिटी है, मेरे लिए उसकी कोई इतनी बुकत नहीं है। तो इसलिए फैसले तो डिपेंड करेंगे ऑन योर पर्सनल यूनिक वाइज, यू नो। मगर अगर आप जनरलाइजेशन पे बात करेंगे तो जनरलाइजेशन के अंदर कभी कभी अनप्लग करना किसी मसले से बहुत उरूज दे देता है आपको, और कभी कभी प्लग्ड रहना, कभी कभी किसी रिश्ते या ताल्लुक में जुड़े रहना लॉन्गर रन में आपको बहुत फायदा देता है। तो इसके अंदर ना चार पांच चीजों से आप अदील भाई बात करें कि भाई शॉर्ट टर्म उसके क्या मसले हैं, लॉन्ग टर्म उसके क्या मसले हैं, और पर्सनल बेनिफिट्स उसमें क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स उसमें क्या है, पर्सनल लॉसेस क्या है, मेंटल लॉसेस क्या है, मेंटल हेल्थ लॉसेस क्या है। तो मेरे ख्याल से किसी सिचुएशन को, अच्छा ये भी बड़ा मुश्किल काम है जब आप किसी से कहते हैं भाई आप डिसाइड करें मेरे लिए, मैं कैसे आपके लिए डिसाइड कर सकता। सही। तो मैंने जितनी भी काउंसलिंग की है आज तक, और इन चार सालों में तीन सालों में तो एक बहुत बड़ी दुनिया की काउंसलिंग का मौका मिला, मैं ये समझता हूँ कि अ गुड इंस्ट्रक्टर, एक अच्छा गाइड ऑप्शंस रख सकता है आगे, पिक एंड चूज उसका अपने ऊपर होगा। अगर कोई मेरे पास आके कहेगा ना कि यू पिक एंड चूज फॉर मी, तो मेरा ये उसूल ही नहीं है कि भाई मैं अपने लिए जो तलवार उठाऊंगा वो आपके लिए थोड़ी उठा सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड फॉर योर ओन थिंग। तो इसलिए जो मेरा जुड़ना और मेरा टूटने के जो उसूल हैं वो ज़रूरी नहीं है वो आपके भी हैं, लेकिन हम आपके आगे ऑप्शंस रख सकते हैं आपकी सिचुएशन में आपको देखते हुए कि भाई आपके पास ये तीन ऑप्शन बचते हैं, चूज आप कर लें आपको क्या चाहिए। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप आज बात करें, अगर कुछ केसेस हैं आपके पास या कुछ ऐसी चीज़ है तो आप पूछें, मैं उस पर अपनी रहनुमाई दे सकता हूँ। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक जनरल फिनोमेना है वो ये है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ जो है रिश्तों के अंदर जुड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं। हम फॉर एग्जांपल अब अगर किसी की शादी हो रही है, देखें ये अपने अंदर ही एक बहुत क्वेश्चनेबल बात हो गई, यहीं से पकड़ लेते हैं आपको। आप बात करते रहे अदील भाई बगैर किसी डर के, जैसे आप देखें आपने बोला ना, मैं इसी में जो ताल्लुक एब्सोल्यूट वैल्यूज पे होता है वो ताल्लुक ही गलत है। एब्सोल्यूट कभी भी नहीं हुआ था, उसके अपने अंदर का नक्स था जिसके तहत उसने जल्दी की है वहां पर। दुनिया में हर चीज लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर फिल्टरिंग के फिल्ट्रेशन के बाद जाके आपको अपनी ओरिजिनल हालत दिखाएगी। हर ताल्लुक इस दुनिया के अंदर जितने भी ताल्लुक हैं वो पहली बारी में नहीं खुल सकते। एक आदमी के बारे में मार्केट में जितनी नेगेटिव मार्केटिंग हुई भी है, येट आप नहीं जान सकेंगे उसको कभी भी, जब तक कि आप को वो टेस्ट करना पड़ेगा। 100 बंदे भी किसी आदमी को गलत कह रहे हैं, यू नेवर नो, हो सकता है 100 के 100 गलत हो और वो एक ठीक हो, क्योंकि वो एक ऐसा काम नहीं कर रहा जो वो सब चाहते हैं कि वो करे, और हो सकता है कि 100 के 100 बोल रहे हैं तो उसमें वाकई ऐब होगा। तो एक चीज तो हमारी तरबियत के अंदर आज की नस्ल में नहीं है, वो ये है लोगों में कि भाई गुजरे बगैर तो आपको नहीं मिल सकता खजाना, मोहताजन तो होना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ डाइव इन इट। उससे पहले कुछ बताई गई हैं चीजें कि तुम औरत से शादी करते हो माल देख के, हस्ब व नसब देख के, उसका खानदान देख के, मगर तुम में से सबसे अच्छा वो है जो उसका दीन देखे। अब ऐसा नहीं है कि दीन की हुई पे बेसिस पे की हुई शादी के अंदर इश्यूज नहीं आएंगे, हो सकते एक दीनदार माइंडसेट के आदमी के घर के अंदर भी तलाक हो सकती है और एक दुनियादार आदमी के घर में भी तलाक हो सकती है। मिसहैंडलिंग के केसेस तो कहीं भी हो सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि पहली चीज़ जिसके ऊपर जोर देना चाहिए वो ये है कि कोई भी चीज़ अपना असल रंग शुरुआत में नहीं दिखा सकती, तो देर हैज़ टू बी अ लीप ऑफ फेथ। अब आप अगर ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो लीप ऑफ फेथ और रिस्क टेकिंग में बिलीव नहीं करती, तो भाईजान फिर ग्रोथ और फिर किंगडम्स और सल्तनत और घर और खानदानी की बातें ना करें। जिंदगी और रिश्ते और ताल्लुकात इज अ कम्प्लीटली रिस्क गेम इन योर लाइफ, और मुकद्दर और करम। ठीक है, एक आपका रिस्क
और एक आपका रिस्क है, और एक आपका मुकद्दर है, और एक आपके कर्म है, और कुछ आपके साथ मुकाफात हैं। ये सारी चीजें मिल के एक रिश्ते की स्टार्ट होती है। अब उसके बीच में अल्लाह का बरकत वाला फैक्टर उसकी क्या शक्ल बनाएगा, उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सी शादियां बता सकता हूं जो बिल्कुल ट्रेन रैक जिसे नहीं कहते, कंप्लीट ट्रेन रैक है वो, इतना बड़ा ट्रेन रैक हम बोलते हैं, लगा नहीं ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो जाता, इट्स अ कंप्लीट एक्सीडेंटल मैरिज, इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। लेकिन एंड के अंदर एक स्पाउस ने, एक बंदे ने ऐसा बेनिफिट रीप किया है कि वो आज उसकी जिंदगी का एक हिस्सा अच्छा गुजर रहा है। तो आप बात बढ़ाएंगे अदील भाई कि किधर प्लग करना, आप उससे पूछे ना कि किस सिचुएशन, आप ना, मैं आपको मुख्तलिफ सिचुएशन बताता रहूंगा और उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लें। देखिए